आज की खास खबरों पर। कार्यालय विकास आयुक्त तो हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं शताब्दी क्राफ्ट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ 1 जनवरी 2021 शुक्रवार को हाट बाजार परिसर में माननीय सांसद अनिल फिरोजिया के मुख्य आतिथ्य में एवं विशेष अतिथि विधानसभा क्षेत्र उत्तर के माननीय विधायक पारस चंद्र जैन एवं सोनू गहलोत पूर्व अध्यक्ष नगर निगम उज्जैन की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर माननीय सांसद जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत एवं वैश्विक बाजार में स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार के उद्देश्य को लेकर आयोजित इस हस्तशिल्प मेले के आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इस अवसर पर उन्होंने शताब्दी क्राफ्ट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के आयोजक संदीप रॉय के कोरोना काल में भी इस साहसिक आयोजन करने को लेकर सराहना करते हुए कहा कि निश्चित तौर से उनका यह कदम महीनों से रोजी रोटी की आशा में खड़े शिल्पियों एवं कारीगरों के जीवन में नवीन उत्साहवर्धन करने का अनुकरणीय कदम है। विधायक पारस जैन द्वारा भी इस आयोजन की सराहना की गई व जनता से इस आयोजन को सफल बनाने में स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की अपील की गई। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर सतेंद्र कौर सलूजा, ममता सांगते, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प प्रवर्धन अधिकारी सैयद मुबारक अली भी मौजूद थे। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने नृत्य प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अनामिका सोनी ने किया। अपनों के हाथ से बनी हुई चीज का उपयोग करेंगे, उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आर्थिक संबल भी मिलेगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और मैं शताब्दी वेलफेयर सोसाइटी को जिन्होंने ये मेला लगाया और हमारे हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करा, क्योंकि कोविड के समय में जहाँ पे कार्तिक मेला नहीं हुआ, जहाँ पे हस्तशिल्प मेला नहीं हुआ, वहाँ आपने एक साहसी कदम बढ़ाया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। और पारस जी ने जो भगवान से प्रार्थना के लिए, मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका पूरा सामान बिके और आपकी खूब अच्छी बिक्री हो, लोग आपका सामान खरीदे, पसंद करें, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आयोजकों को पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।